दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वालों के कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐड कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, हम कई सारे जो कंप्यूटर या लैपटॉप को जो यूज़ करते हैं तो उसमें कई सारे ऐप होता है, कई सारे सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको हमें ऐड करना है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाने वाला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, हमारा पीसी में जो कई सारे सॉफ्टवेयर है, जो क्रोम ब्राउज़र है, टाइपिंग मास्टर है, फायरफॉक्स है, ओडासिटी है, तो इसी तरह कई सारे हमारा जो पीसी या लैपटॉप में जो ऐप होता है तो उसको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पीसी या लैपटॉप में किसी भी ऐप को जो ऐड करना चाहते हो, तो आपका पीसी या लैपटॉप है तो उसमें आपको डेस्कटॉप पे राइट साइड क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं जो राइट चैट क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करके आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करना है। तो आपका पीसी या लैपटॉप लैपटॉप में जो डेस्कटॉप पे, यहाँ से आपका एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। तो इसी नाम यहाँ पे आपको फोल्डर का जो नाम है वही आपको टाइप करना है। तो यहाँ से मैं जो ऐप लॉक को नाम को टाइप कर देता हूँ। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा डेस्कटॉप में जो ऐप लॉक है उसका जो फोल्डर है यहाँ से हमने जो बना दिया है। तो आपको इसी तरह जो न्यू न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है। तो इसी फोल्डर में हमारा कोई ऐप यहाँ पे नहीं है। तो गाइस, आपका पीसी या लैपटॉप में कई सारे सॉफ्टवेयर है तो इसको ऐड करना चाहते हो तो इसी सॉफ्टवेयर को आपको जो ऐप लॉक का फोल्डर है तो उसमें आपको डालना है। तो यहाँ से मैं जो टाइपिंग मास्टर है यहाँ से मैं स्क्रॉल करके ऐप लॉक पे डाल देता हूँ। तो आपको जो भी ऐप को ऐड करना चाहते हो इसी ऐप को आपको यहाँ पे अपने जो फोल्डर है ऐप लॉक का तो उसमें आपको डालना है। तो यहाँ से हमने क्रोम ब्राउज़र को डाल दिया है। तीसरा जो ऐप है ओडासिटी का, तो उसको मैं फोल्डर में डाल देता हूँ। तो यहाँ से हमने जो तीन एप्लीकेशन को न्यू फोल्डर में डाल दिया है, जो ऐप लॉक का फोल्डर है तो इसी फोल्डर में यहाँ से हमने जो डाल दिया है। तो यहाँ से मैं जो फोल्डर को ओपन करके यहाँ से मैं जो व्यू पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में आपको बता देता हूँ। तो गाइस, स्क्रीन में देख लीजिए कि यहाँ से हमारा जो तीन ऐप है यहाँ से हमने जो फोल्डर में डाल दिया है, ओडासिटी का, दूसरा जो क्रोम ब्राउज़र है, तीसरा जो टाइपिंग मास्टर है। तो इसी तीन ऐप को यहाँ से मुझे ऐड करना है। तो आपको तीन ऐप को जितना ऐप ऐड करना चाहते हो उसमें आपको फोल्डर में डाल देना है। और डालने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर पे माउस से राइट चैट क्लिक करके यहाँ से आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। और क्लिक करके आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको कई सारे ऐप आपको ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन है तो इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो तीसरे या चौथे नंबर पे क्लिक करना है, जो एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैंने आपको जूम करके बता दिया है। तो यहाँ से आपको क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है। और क्लिक करके आपको यहाँ पे फिर से आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। और क्लिक करके आपको यहाँ पे सभी में आपको टिक मार्क को ऐड कर देना है। और ऐड करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने सभी में जो टिक मार्क को ऐड कर दिया है, और ऐड करके आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो चलिए, ऐसे मैं जो ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करके आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं यस पे क्लिक करके यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो आपका पीसी या लैपटॉप में जितना आपने ऐप को ऐड किया है यहाँ से आपका ओपन नहीं होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे किसी भी बंदा आपको ऐप लॉक को डिलीट करना चाहते हैं तो आपका फोल्डर भी डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ से मैं डिलीट करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं डिलीट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, लेकिन जो फोल्डर है यहाँ पे मेरा ओपन पे नहीं होगा। और यहाँ से आपका डिलीट करते हैं तो यहाँ से आपका डिलीट पे नहीं होगा। तो आपका पीसी या लैपटॉप में जो तीन ऐप है
यहाँ से पूरा ऐड हो चुका है। आपको ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आपका ओपन पे नहीं होगा। यहाँ से आपको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आपका डिलीट पे नहीं होगा। तो यहाँ से मैं जो डिलीट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करता हूँ, लेकिन जो फोल्डर है यहाँ पे मेरा डिलीट पे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपको इसी तरह जो किसी भी पीसी या लैपटॉप में ऐप को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से मेरे भाई आपको आसान तरीके ऐड कर सकते हो। लेकिन आपने जो ऐड किया है उसको अनऐड करना है तो राइट साइड क्लिक करके प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और तीसरे नंबर का ऑप्शन है जो एडमिनिस्ट्रेटर का, तो उसमें आपको क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है, और फिर से आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको रिमूव पे क्लिक करना है। तो जैसे आपको रिमूव पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करते तो आपका पीसी या लैपटॉप में जो फोल्डर में आपने ऐप को ऐड किया था यह सब का अनऐड हो जाएगा। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यह सब अनऐड हो चुका है। वापस लाना है डेस्कटॉप पे तो आपको डेस्कटॉप पे जो स्क्रॉल करना है फोल्डर में, तो यह सब को फोल्डर से डेस्कटॉप में स्क्रॉल करते तो जो ऐप है यह सब का वापस पे आ जाएगा। ऐड करना चाहते हो तो जो भी मैंने स्टेप बताया है भाई आपको फॉलो करके अपना पीसी या लैपटॉप में जो ऐप है यह सब को ऐड भी कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना।